गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको ये पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी बेसिक चैप्टर जो कि सभी चैप्टर्स में यूज़ होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कमांड होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रिपरेशन के लिए, मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। इट्स रिकमेंडेड कि आपको बहुत अच्छे से इसमें जितने भी फॉर्मूले आते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, सब पे बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ आना चाहिए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ सभी चैप्टर्स में है। ये एक बेसिक है, ये बेस है हमारा, इसलिए इसमें ये और ये आता कैसे, जब आप इसके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से बिल्कुल, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या क्या आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, दिस इज ए बी सी, ठीक। तो जो एंगल ए है उसके अपोजिट जो साइड्स है उसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एंगल बी है उसके जो अपोजिट साइड होती है उसको हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द एंगल विच इज सी उसके अपोजिट जो साइड होगी उसको हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब लेट्स टेक ये थीटा एंगल है, ठीक है, इसको क्या ले लिया हम लोगों ने, थीटा, ठीक है। एंड साइड अपोजिट टू थीटा इज नोन एज अपोजिट, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि दिस इज अपोजिट टू थीटा, ठीक है। तो जिस भी एंगल के लिए हम लोग कुछ डिफाइन करने जा रहे हैं तो इस वाली साइड को वी आर गोइंग टू से कि ये अपोजिट है, ठीक है। और जिसके साथ ये थीटा एंगल जुड़ा हुआ है, सी दिस थीटा इज मेकिंग एंगल विद दिस साइड बी सी, जिसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको वी गिव नेम एडजेसेंट, क्या देते हैं नाम, एडजेसेंट, ठीक है। और द लॉन्गेस्ट साइड विच इज अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सारी बातें आपको पता ही होगी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब वी ऑलरेडी नो पाइथागोरस थ्योरम, तो भी लिख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, बिकॉज ये 90 डिग्री पे हम लोग इसे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये यूज कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थ्री साइड्स, ठीक है, क्या है, थ्री साइड्स। और यहाँ पर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड्स का रेशियो ले सकते हैं, जैसे सी बाई ए, बी बाई ए बाई बी, ए बाई सी, ठीक है। तो अगर आप रोटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी कि आप वेरियस वेज पता करेंगे इन तीनों साइड्स के रेशियो निकालने के लिए, तो आपको सिक्स वेज पता चलेंगे, सिक्स वेज ऑफ फाइंडिंग रेशियोज, ठीक है। तो वो सिक्स वेज हैं कुछ, जैसे कि एक वे हो गया सी बाई डी, तो एक ये रेशियो है, ठीक है। एक रेशियो है हमारा ए बाई डी, एक ये रेशियो हो गया। एक रेशियो है हमारा C by A, ठीक है। तो ये थ्री रेशियोज हो गए, और इन्हीं थ्री को अपोजिट कर दे तो और थ्री रेशियोज बन जाएंगे। तो अब इनको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नाम दिए गए हैं, इनको कुछ डिफाइन किया गया किसी नेम से, कि अगर हमें हर बार C by B लिखना होगा तो उसको कुछ नेम दे दिया गया है। तो वो जो नेम है उसको बोलते हैं साइन थीटा। और साइन थीटा कैसे डिफाइंड है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज,
अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के अपोजिट क्या है? सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है? बी। तो दिस इज साइन थीटा। इसी तरीके से ये जो ए बाई बी है यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, उसको कॉस से डिफाइन किया गया है। उसका नेम क्या रखा गया? कॉस थीटा। तो उसको डिफिनेशन दी गई है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब एक तीसरा है दैट इज नोन एज टैन थीटा। तो टैन थीटा कैसे देखिए डिफाइन किया गया? सी बाई ए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्लियर हो गया आपको ये। अब इसे अगर आपको याद करना है कि ये कैसे याद रहेगा, वैसे मोस्टली आप लोगों ने टेंथ में पढ़ रखा है, तो वी कैन एक सिंपल सा ये याद रख सकते, सो का टोआ, ठीक है, सो का टोआ। सो का मीन्स एस फॉर साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोगों ने बोला कि साइन थीटा सी बाई बी है, तो ये तीन ही रेशियो हुए, लेकिन यहां बोल रहे हैं सिक्स वेज ऑफ फाइंडिंग रेशियोज हैं, तो इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, यानी कि बी बाई सी, तो वी कैन राइट दिस कि कॉसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा है, ठीक है। इसी तरीके से जो कॉस का अपोजिट है बी बाई ए, उसको हम सेक थीटा बोलते हैं, और वो क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। इसी तरीके से व्हेन वी टॉक अबाउट टैन थीटा, तो टैन थीटा का अपोजिट दैट इज ए बाई सी, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट दैट विल बी कॉट थीटा, और उसको क्या बोलते हैं? वन बाई टैन थीटा, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये छह रेशियोज यहां पर अब हम लोगों ने डिफाइन कर लिए, और इन्हीं छह रेशियोज का हमें यूज करना है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, इनके ग्राफ्स पढ़ने, इनके वैल्यूज को समझना है, ठीक है। तो ये सिक्स चीजें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि साइन थीटा और कॉस को बोलते हैं कोसाइन थीटा, तो ये इसी तरीके से टैन टैन थीटा, और इसको बोलते हैं को कॉट थीटा, यानी टैन को बोलते हैं टैंजेंट एंड कॉट थीटा को बोलते हैं कोटेंजेंट, को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज, बिकॉज ये क्या है? साइन थीटा, दिस इज कोसाइन थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री। अभी देखेंगे क्यों इनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और कोसेक थीटा यानी कोसेकेंट, इसको सेक को इधर लिख लेते हैं हम, सेकेंट थीटा, सेकेंट क्या है? सेकेंट। और जो सिक्स्थ है दैट इज कॉसेक थीटा। तो एक तो हम लोगों ने ये देखा कि वन अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, वन अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा होता है। और एक जो यहां पर देखने जा रहे हैं कि साइन और इसको कोसाइन, दिस इज टेंजेंट, दिस इज को टेंजेंट, दिस इज सेक, दिस इज कोसेकेंट। तो ये को क्या है? तो को यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है व्हेन टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर दिस इज 90, दिस इज थीटा, देन दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां देखिए, अब मैं इसे रब कर देता हूं इधर, और आपको ये बताता हूं कि साइन और कोसाइन में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहां देखिए आप,
जब हम लोगों ने साइन थीटा लिखा तो साइन थीटा के लिए अपोजिट साइड थी सी और हाइपोटेन्यूज थी बी। अब हम लोग यहाँ पे 90 माइनस थीटा, अब ये एडजेसेंट टेन अपोजिट मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अब आप देखिए 90 माइनस थीटा जब ले रहे हैं और तब भी हम यहाँ पर साइन ही निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखें, तो आप देखिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट क्या है, ए, दिस इज ए, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, बी, ठीक है, ये साइन 90 माइनस थीटा हो गया। अब इसी तरीके से यहां पे कॉस पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस है, ठीक है, तो कॉस यहां पर लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा जब यहां पर लिखेंगे तो इट विल बी ए बाई बी, वो लिख लिया, और यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख लेते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स सी बाई बी। अब एक चीज देखिए, आप इन चार वैल्यूज को अगर हम लोग देखें, चार रेशियोज को, तो साइन थीटा की वैल्यू सी बाई बी आ रही है और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो सी बाई बी आ रही है, तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ठीक है। अगर हम लोग इसका साइन थीटा निकालते, इसका कोसाइन थीटा निकालते, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, एंड दीज बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इनका दोनों का सम इज व्हाट, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, इसलिए इन्हें कोट साइन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां भी देख लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, तो कॉस क्या है, ए बाई बी, यानी इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो सेम चीज अगर आप टैन में करेंगे, सेक में करेंगे, तो एज अ प्रैक्टिस आप इसको ले सकते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो जैसा मैंने अभी साइन कॉस में किया है, वैसा आप टैन और कॉट में करके देखिए, तो यू विल फाइंड ये रिलेशन ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपने ये देख लिया। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि साइन थीटा जो टैन थीटा है आपका, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि वो टैन थीटा का अपोजिट होता है, इसलिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहां पर लिख ली है। अब यहां पर अगर देखें तो हमारा जो एंगल है मैक्सिमम ये 90 तक जा सकता है इस राइट एंगल ट्रायंगल पे, लेकिन अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है ये साइन कोसाइन ये जो भी ये फंक्शंस हैं, ठीक है, इनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं, और इनके हम नहीं चाहते कि हमारा थीटा केवल 0 से 90 तक रहे, तो हम इसको कैसे अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे के एंगल्स के लिए यानी 90 प्लस एंगल्स के लिए किस तरीके से यूज करेंगे वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहां पर यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने कार्टेशियन सिस्टम ले लिया, यहां पर दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, और हमने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो रेडियस है दैट इज वन, तो एक हमने ये यूनिट सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये जो रेडियस है ये वन हो जाएगा
यहां पर हमने एक थीटा ले लिया और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपनी एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिखना चाहते हैं, तो अब आप देखें कि इसका एक्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है, समझ में आ गया ये कि ये एक्स हो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स कॉमा वाई, ये एक्स है एंड दिस इज वाई, ठीक है। अब हम इसे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में देखते हैं, तो साइन थीटा, बिकॉज ये 90 डिग्री एक ट्राइंगल बन रहा है, तो हम साइन थीटा कर सकते हैं। तो साइन थीटा देखिए यहाँ पर क्या है, पर यहाँ पे अपोजिट है दैट इज वाई और परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना है वन, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये जो एक्स है इसको देखिए कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो वन है। अब देखिए साइन थीटा वाई के इक्वल हो गया और एक्स जो हो गया वो कॉस थीटा के इक्वल हो गया, क्लियर है ये बात। इसका मतलब अब हम अपने कोऑर्डिनेट्स जो एक्स कॉमा वाई थे इनको चेंज करके क्या लिखने जा रहे हैं, एक्स क्या था कॉस थीटा और वाई क्या है साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में हमारा एक्स वाई कहीं पर भी रह सकता है, ठीक है, वो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रह सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी रह सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी रह सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रह सकता है, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर ट्राइंगल बनाना होगा तो यहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, यहाँ बनाना होगा तो यहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, यहां बनाना होगा तो यहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब हमारे ये साइन थीटा कॉस थीटा ये किसी भी एंगल के लिए निकाले जा सकते हैं, ठीक है, तो क्लियर है। अब यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स अगर यूनिट सर्कल लें हम लोग तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है हम उसको कॉस थीटा पढ़ेंगे और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग साइन थीटा पढ़ेंगे, क्लियर है। अब देखिए अब यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, जब साइन की वैल्यू जीरो है, साइन जीरो, ठीक, अब ये एंगल जीरो है, ठीक है, तो साइन जीरो, अब यानी हम यहां पर जब थीटा इज इक्वल टू जीरो तो अब हम लोग कहां पर हैं, अब आप यहां देखिए, अब ये कोऑर्डिनेट इसके x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट हम लोग ढूंढेंगे तो दिस इज 1 कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा 1, दिस पॉइंट इज माइनस 1 कॉमा 0 एंड दिस इज 0 कॉमा माइनस 1, ठीक है। तो देखिए साइन, अब इसको क्या बोलते थे हम लोग, कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा, और एंगल क्या है यहां पर, साइन जीरो जीरो हो गया बिकॉज वाई था एंड कॉस जीरो क्या हो गया वन, ठीक है। अब आप एक और यहां पर बात ध्यान रखिए, जब हम लोग अपने इस कार्टेशियन प्लेन में ये एंगल मेजर करते हैं ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल हम लोग लेते हैं तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, ठीक है, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, क्लियर है। तो ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, यहां पर कॉस थीटा वन है तो ये जीरो एंगल है, यहां पर देखिए दिस इज 90 डिग्री तो कॉस 90 इज व्हाट जीरो, ठीक है, क्योंकि 90 ये कॉस है, कॉस अब ये कितना एंगल हो गया 180, ठीक है, ये कितना हो गया 180, थोड़ा कर देते हैं
सो दैट यू कैन क्लियरली सी कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पे लिखते हैं कॉस जीरो वन कॉस 90 को रेडियन में पाई बाई टू भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज जीरो 180 पाई कॉस पाई इज इक्वल टू कितना माइनस वन। एक्स कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं हम लोग, दिस इज कॉस 3 पाई बाई 90 इज पाई बाई टू, तो 90 इंटू 3 270 डिग्री। और देखिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो 90 180 270 पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई टू। ठीक है, ये कितना आया जीरो एंड देन कॉस 2 पाई। ठीक है, कितना आ गया ये फिर से 1। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से साइन देखिए, साइन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा वाई, ये वाई कोऑर्डिनेट ये। ठीक है, आई थिंक आप लिख सकते हैं इसको साइन जीरो जीरो साइन 90 वन साइन 180 जीरो साइन 270। तो ये जीरो था वन था फिर से जीरो हुआ। अब यहां देखिए वाई कोऑर्डिनेट कितना है माइनस वन साइन 360 जीरो। ठीक है, तो कॉस को मैंने रेडियन में दिखाया है, यहां पर मैंने इसे डिग्री में दिखाया है। तो ये भी साइन जीरो साइन पाई बाई टू साइन पाई साइन 3 पाई बाई टू साइन 2 पाई। तो समझ में आया कि वैल्यूज कैसे आ रहे हैं। और इसी तरह कोई भी एंगल हो तो वहां अगर हम लोग एक्स वाई पता कर लेंगे तो वही साइन और कॉस का वैल्यू हो जाएगा। तो अब आप यहां से देखिए कि साइन साइन मिनिमम वैल्यू ये है, ठीक है जीरो, और ये कहां तक जा रहा है वन। अभी यहां पहले क्वाड्रेंट में देख रहे हो जीरो वन, फिर क्या गया फिर से जीरो फिर माइनस और फिर जीरो। तो साइन की जो वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक लाई कर रही, साइन थीटा की वैल्यू हमारी माइनस वन से लेकर वन तक लाई कर रही। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू देखिए, क्योंकि ये यही इसी सर्कल पे इसको लाई करना है, तो आप देखेंगे कि कॉस की वैल्यू यहां पर माइनस वन है और कॉस की वैल्यू इधर प्लस वन, तो कॉस की वैल्यू भी माइनस वन से लेके वन तक लाई कर रही है। ठीक है, और एक बात यहां पर देखिए कि जब ये ऐसे रिपीट करके टू पाई आता है उसके बाद से फिर से ये वही वैल्यूज को रिपीट करने लगेगा। तो इससे हम लोग ये बोल सकते कि पीरियड यानी कि ये फिर से कब से रिपीट करने लगे, तो पीरियड ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इस यूनिट सर्कल से वी कैन अंडरस्टैंड कि 2 पाई है और डिग्री में बोले तो 360 डिग्री के बाद वापस से आप देखें साइन जीरो पे जो था वही साइन 360। अब आप बताइए क्या कुछ नया आएगा, बिकॉज हम फिर वापस से वही साइकिल को घूम रहे हैं इसमें, तो वैल्यू वही आने वाली है। इसी तरह कॉस जीरो वन था तो कॉस टू पाई भी वन ही आएगा। क्लियर है ये बात, तो ये आई थिंक आपने इसे समझ लिया होगा। अब हम लोग और यहाँ पर बातों को समझते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं। अब क्वाड्रेंट में कहाँ पर ये साइन कॉस टैन ये सब कहाँ पर पॉजिटिव होते हैं कहाँ पर निगेटिव होते हैं ये सारी बातें अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग। तो अब आप देखें ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। तो x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था cos, तो x कोऑर्डिनेट कहां कहां पर प्लस होते हैं। अब ये देखें x कोऑर्डिनेट कहां कहां पर प्लस होते हैं, तो x देखिए x का जो कोऑर्डिनेट यहां पर प्लस हो सकता है और यहां यहां पर अगर आप जाएंगे x कोऑर्डिनेट के बारे में बात करने तो निगेटिव है। देखिए दिस इज ओरिजिन 0, 0 इधर क्या है x एक्सिस का निगेटिव है,
और वो किसमें आ रहा है, दिस इज कमिंग सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा के बारे में, कॉस थीटा इज पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। तो कॉस थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है, कॉस थीटा यहाँ पर बिकॉज नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, तो यहाँ पर अगर कहीं पे भी आप रहेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट कहाँ रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो सेकेंड में कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, और थर्ड पे भी कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, एक नेगेटिव हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा इज पॉजिटिव। क्लियर है बात। अब देखिए साइन थीटा बताइए, साइन थीटा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ये है, तो यानी इधर और इधर पॉजिटिव होगा, ये साइन थीटा इधर भी पॉजिटिव होगा। देखिए यहां कोई भी पॉइंट लेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है ये, और साइन थीटा इज व्हाट, वाई, इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव, और इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव है, इसमें भी साइन का जो साइन है दैट इज नेगेटिव। अब टैन क्या होता है, टैन इन दोनों का रेशियो होता है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा भी लिखा था हम लोगों ने, तो ये पॉजिटिव आ गया, एंड दिस इज टैन थीटा, माइनस अपॉन प्लस इज माइनस, ठीक है। बाकी जो तीनों रेशियोज थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो इनके अपोजिट हैं, तो कॉस का अपोजिट जब प्लस का अपोजिट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव। तो इस पूरी बात को हम लोग लिख देते हैं, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव। अब कॉस का अपोजिट है सेक, वो भी नेगेटिव, कॉसेक इज पॉजिटिव बिकॉज वो साइन का अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, एंड दिस इज कॉट नेगेटिव, तो वी कैन राइट यहां पर साइन, और साइन का अपोजिट जो है कॉसेक, वो अंडरस्टूड है कि ये दोनों पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरीके से टैन, अब बार बार ठीक है वही बात हो जाएगी, टैन एंड कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होने वाले, यहां पर कॉस और कॉस का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो अब इसको सिंपल एक सिंपल वो बना लेते हैं याद करने के लिए, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होता है, कहाँ पे कौन सा नेगेटिव होता है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं इसको, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब ऑल आर पॉजिटिव, ऑल का मतलब जो भी सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे वो सारे के सारे यहां पर पॉजिटिव है। ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का मतलब साइन थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में देखिए, थर्ड टेक, टेक फॉर टैन थीटा, टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, वो पॉजिटिव है। फोर्थ कैलकुलस, अब आपको समझ सकते कैलकुलस फॉर कॉस थीटा, एंड कॉस का उल्टा दैट इज सेक, वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बात अब आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कहाँ कौन पॉजिटिव होता है,
और क्यों पॉजिटिव होता है। अगर आप कभी भूलते हैं, वैसे तो कुछ दिन बाद आप नहीं भूलेंगे, अगर आप भूलते हैं तो आप ये समझिए कि एक्स कोऑर्डिनेट कौन है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज साइन। ठीक है, जब ऐसे सोचेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि एक्स यहाँ यहाँ है तो कॉस यहाँ यहाँ पॉजिटिव है और वाई यहाँ यहाँ है साइन, बाकी सारे तो साइन और कॉस के टर्म्स में निकाले जा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्योंकि आपने देखा कि 360 के बाद ये रिपीट करता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें पता करना, क्योंकि कोऑर्डिनेट के हिसाब से, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन का पता चल रहा है। तो जब बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए आपको दे दिया है 57π/2, तो आप कैसे बताएंगे कि आप किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो वो बातें हम लोग, जैसे 1035 दे दिया गया, तो हाउ वी आर गोइंग टू नो दैट कि वो किस क्वाड्रेंट में है। अब ये नेक्स्ट चीज हम लोग ये बोलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट के हेल्प में आगे ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होने वाली है। नॉर्मली आपको ऐसा बुक में दिया नहीं रहेगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिए। तो ये जो हमारी ये एक्स एक्सिस है, इसका इसको हम नाम दे देते हैं ऐसे, इसको वन नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका एड्रेस हम लोगों ने 2 दे दिया, इसका एड्रेस हम लोगों ने 3 दे दिया और इसका एड्रेस हम लोगों ने 4 दे दिया। ठीक है, तो इन्हें हम कुछ नाम देने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसा कि जिससे हम लोग ये पता कर सके, दिस इज लाइक कि एक चौराहा टाइप में है वेयर देयर आर 4 लेन्स और हमें एड्रेस देना है कि हम कहाँ पर हैं, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे कौन चीज नहीं डिफाइन है, किस बार बार, ऐसा है नहीं कि केवल 0 से 2π एंगल आने वाले, कुछ भी एंगल आएंगे, जनरलाइज्ड एंगल आएंगे, तो उसको समझने के लिए दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने 1 बोला, यानी कि कभी भी अगर हम इस लाइन पर या इस लाइन के रेफरेंस में भी हम लोग बोल सकते कि 1 का जो एड्रेस है अगर प्लस थीटा हुआ इससे, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर 1 पे जो एंगल हम लोग बोलने वाले हैं, जो भी एड्रेस देने वाले हैं, उसमें अगर कोई माइनस थीटा करेगा, तो वी कैन से कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, यानी 1 ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसका एड्रेस, इसके एड्रेस की मदद से हम लोग क्वाड्रेंट पता कर सकेंगे और उस क्वाड्रेंट की पता से करके हम लोग ये बता सकते कि यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है। इसी तरह सेकेंड के हेल्प से इसमें प्लस करेंगे और इसमें माइनस करेंगे, अगर प्लस करेंगे तो दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट और माइनस करेंगे इसमें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके थर्ड से प्लस माइनस करके इधर जाएंगे तो माइनस होगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो दिस इज फोर्थ एंड इधर जाएंगे तो दिस इज थर्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इनका कुछ रिप्रेजेंटेशन तैयार करें कि कैसा लिखा रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट, क्या लिखा रहेगा तो वी कैन से कि दिस इज सेकेंड, क्या लिखा रहेगा तो थर्ड, इसी तरीके से क्या लिखा रहेगा तो फोर्थ। क्लियर है? अब देखिए आप, अगर ये फर्स्ट है, ठीक है, तो यहां पे कौन सी वैल्यू आती है, 0 डिग्री। इसके बाद देखिए अब 0 से घूम के आए तो ये क्या हो गया, 2π और फिर ये क्या आ गया, 4π 6π। ठीक है, इवन आप उल्टा चलिए ऐसे करके आइए तो इधर नेगेटिव लिया जाता क्लॉकवाइज तो -2π -4π और -6π। ठीक है, तो इसे हम लोग इस एड्रेस को जो कि फर्स्ट है, इस एड्रेस का नाम देंगे 2nπ। देख लीजिए आप, n को अगर 1 रखें, n जहां पर इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब देख लीजिए आप,
जीरो रखेंगे तो दिस इज जीरो, वन रखेंगे तो टू पाई, टू रखेंगे तो फोर पाई, थ्री रखेंगे तो सिक्स पाई, माइनस वन रखेंगे तो माइनस टू पाई, माइनस टू रखेंगे माइनस फोर पाई, माइनस सिक्स पाई। अब अगर टू एन पाई प्लस थीटा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, टू एन पाई प्लस थीटा, इसका मतलब दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। टू एन पाई माइनस थीटा, इसका मतलब दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अंडरस्टूड कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखिए आप सेकंड, जब आप फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं तो आपको कितना ऐड करना है, पाई बाई टू ऐड करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या आएगा यहाँ के लिए, क्या क्या आने वाले, पाई बाई टू, फिर क्या होगा, टू पाई ऐड करिए आप पाई बाई टू पे, टू पाई प्लस पाई बाई टू, तो कितना हो जाएगा, फाइव पाई बाई टू, फिर से टू पाई करिए इसमें, तो क्या आएगा, नाइन पाई बाई टू, ठीक है। इस तरीके से आ रहे नंबर, तो अगर आप इन्हें देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पर फाइव नाइन वन, तो कुछ इसके बारे में बता सकते हैं आप, वन फाइव नाइन, अगला क्या आएगा थर्टीन, ठीक है, अगला क्या आएगा सेवेंटीन, इधर क्या आएगा माइनस थ्री, तो ये एपी है, दिस इज व्हाट एपी, माइनस सेवन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये किस तरीके से, तो यानी अगर माइनस सेवन पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू, थर्टीन पाई बाई टू, सेवनटीन पाई बाई टू, इस तरीके की अगर चीजें लिखी हुई हैं हमारे पास, तो इसका मतलब हुआ कि हम सेकेंड पे हैं। तो इसका जनरल टर्म अगर हम लोग देखें कि इस पूरे को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, तो यहाँ एक ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर इसको फाइव को फोर से डिवाइड करें तो क्या आता है वन, इसको फोर से डिवाइड करें तो क्या आता है वन, इसको फोर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है वन, इसको फोर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है फोर वन, यानी इसको हम लोग लिख सकते फोर एन प्लस वन पाई बाई टू। इस एड्रेस को क्या बोल सकते हैं, फोर एन प्लस वन पाई बाई टू, और फोर एन प्लस वन को लिखा जा सकता है फोर एन माइनस थ्री पाई बाई टू, ठीक है। तो ये दो एड्रेस हो गए इस सेकेंड वाली लाइन के लिए, ठीक है। अब फोर एन प्लस वन पाई बाई टू प्लस थीटा हुआ तो इधर, और फोर एन प्लस वन पाई बाई टू माइनस थीटा हुआ तो इधर, जिसको सेकेंड बोलते हैं इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसी तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो इसके एड्रेस को याद कर लीजिए आप, कि यहां पर होने का क्या मतलब होता है टू एन पाई, और यहां होने का मतलब होता है फोर एन प्लस वन पाई बाई टू और फोर एन माइनस थ्री पाई बाई टू। वैल्यू रख के आप देख सकते हैं, अगर एन को वन रखेंगे तो दिस विल कम फोर माइनस थ्री पाई बाई टू, टू रखेंगे तो एट माइनस थ्री फाइव, थ्री रखेंगे तो ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन, इसी तरीके से जीरो रखेंगे यहाँ तो पाई बाई टू, वन रखेंगे यहाँ पर तो फाइव पाई बाई टू। तो आप चाहे इससे रिप्रेजेंट करें, चाहे इससे रिप्रेजेंट करें, इवन नेगेटिव इंटीजर रखने से भी आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं इस थर्ड पे, अब इसको भी आप समझिए, जीरो पाई बाई टू पाई, फिर टू पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, सेवन पाई, नाइन पाई लिख लेते हैं यहां पर। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इसका मतलब ऑड नंबर्स को भी राइट टू एन प्लस वन पाई, ठीक है। ये इवन नंबर्स का मल्टीपल पाई पे आ रहा है, तो इवन नंबर टू एन से लिखे जाते हैं, और ऑड नंबर किससे लिखे जाते हैं, टू एन प्लस वन पाई। तो बहुत इजी है, फर्स्ट को अगर आप देख ले, कोई भी चीज अगर आपको इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिख रही है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि हम फर्स्ट पे हैं। ये फर्स्ट का एक मैथमेटिकल एड्रेस है टू एन पाई, सेकेंड का मैथमेटिकल एड्रेस आपको अभी काफी टिपिकल सा लग रहा हो कि फोर एन प्लस वन पाई बाई टू ये कौन सा एड्रेस होता है, ठीक है, लेकिन दिस इज इजी। आप इसको एक बार आप इसे देखेंगे तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या मीनिंग है,
ठीक है, यहाँ पर कैसे इंटीजर रखने से हमें सारा जो डिफिकल्टी इतने नंबर्स को याद रखने की, कौन सा आएगा कहाँ होगा, वो सब हम इस कॉन्सेप्ट से इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इवन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर, ठीक है, किसी भी चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चैप्टर, सब यहाँ पर इस तरीके का कुछ भी डिफिकल्ट सा लगाएगा अगर हमें लिखा हुआ, तो वी कैन ईजली अंडरस्टैंड कि किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, हमारा एंगल कहाँ पर है, ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब एक और एड्रेस बचा है, ठीक है, उस एड्रेस को भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसे आ रहे हैं वैल्यूज। तो आप देखेंगे 90, 180, 270 को क्या बोला गया, 3π/2, ठीक है, 3π/2 में आप 2π ऐड करिए क्योंकि हर 2π के बाद वैल्यू सेम आती है, 2π मीन्स 360 डिग्री। तो यहाँ देखिए कितना हो गया, 2 × 4 + 3 = 7π/2। अब आप जानते ही हैं कि हर बार 4 बढ़ेगा, ये 11π/2, 15π/2, ठीक, ये सारी चीजें हमारे इस फोर्थ पे आती हैं। कहाँ आती हैं, फोर्थ पे आती हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो क्या है, कैसे इसको देखेंगे आप कि 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर, इसको भी 4 से डिवाइड करिए तो 3 रिमाइंडर, इसको भी 4 से डिवाइड करिए तो 3 रिमाइंडर, इसको भी 4 से डिवाइड करिए तो 3 रिमाइंडर। तो क्या हो गया इसका मीनिंग, 4n + 3π/2। आई होप अब आपको ये इजी भी लगने लगा हो। और अगर 4n + 3 है उसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग 4n - 1π/2, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि ये जो फोर्थ वाली लाइन है इसके लिए ये एड्रेस है, फर्स्ट वाली लाइन के लिए ये एड्रेस, टू वाली लाइन के लिए ये एड्रेस और थ्री वाली लाइन के लिए ये एड्रेस। क्लियर है बात कि फोर वाली लाइन को, अब आप कह रहे होंगे कि हम बार बार बोल रहे हैं कि 4n - 1 4n + 3 है, उसी तरीके से 4n - 3 4n + 1 है, ये कैसे है। तो देखिए, n अगर इंटीजर है तो n + 1 भी एक इंटीजर होगा, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए 4n + 4, ठीक है, -1, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे n + 1 इतने पे 4 से मल्टीप्लाई है। अब 4n, 4 - 3 क्या हो गया, 4n + 3, अभी भी n एक इंटीजर ही। अब देखिए यही आया कि नहीं आया, ठीक है, तो इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है कि दोनों सेम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कहीं ऐसा लिखा हो सकता है तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने तो पढ़ा था 4n + 3 होता है, ठीक है, लेकिन ये 4n - 1 कौन सी जगह है, ठीक है, 4n + 1 आप कोई वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर पाई बाई टू को पाई बाई टू से अगर किसी भी एंगल को डिवाइड किया जाए, अगर 0 रिमाइंडर आता है तो ये आएगा, 1 रिमाइंडर आता है तो ये आएगा, ठीक है, 2 रिमाइंडर आता है तो ये आएगा, 3 रिमाइंडर आता है तो ये आएगा, क्लियर है। तो ये सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, अब आप इसको अच्छे से रिमेम्बर कर लीजिए। अब जैसे मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूं, अब आपको बताना है, जैसे मैंने आपको दिया कि 31π/2 कहां पर आएगा, 31π/2 कहां पर आएगा, आखिर एड्रेस नंबर 1, एड्रेस नंबर 2, एड्रेस नंबर 3 और एड्रेस नंबर 4 पे। तो क्या देखना है आपको, कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आपको ये देखें कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता, जो कि ये नहीं है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर होता तो फर्स्ट और थर्ड में हो सकता है, या पाई का मल्टीपल होता, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता तो फर्स्ट पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे होता तो थर्ड पे, यानी कि पाई का अगर मल्टीपल होता कोई भी इंटीजर, ठीक है, तब वो 1 या 3 पे होगा। लेकिन अगर वो पाई बाई टू का मल्टीपल है,
किसका है, पाई बाय 2 का मल्टीपल है, तो आइदर इट विल बी एट 2 और इट विल बी एट 4। तो अगर यहां पर देखें 31 पाई बाय 2, तो अब हम ये बोल सकते हैं आइदर इट इज एट 2 और आइदर इट इज एट 4। ठीक है, अब आप देखिए कि आप क्या करेंगे, 31 से इसको डिवाइड करिए, तो आप जानते 4 7 28, 3 रिमाइंडर आ रहा है। अब 3 रिमाइंडर आने वाले कहां होते हैं, ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए cos 31 पाई बाय 2 की वैल्यू बताइए, तो अब आपको पता चल गया कि दिस इज पोजीशन, ये वाली पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन है। अगर ये पोजीशन है तो इसका मतलब यहां पर तो आपको cos पता ही है। cos क्या होता है, x एक्सिस, और यहां पे x का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट होता है cos थीटा, तो यहां पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो इजीली आई कैन टेल कि cos 31 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अब आप, मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं और आप बताइएगा कि वो सब कहां लाई करेंगे, ठीक है। जैसे 16 पाई बाय 2, 19 पाई बाय 2, 37 पाई बाय 2, 21 पाई 5th माइनस 62 पाई 6th माइनस 37 पाई बाय 2, और 7th लिख देता हूँ 49 पाई बाय 2, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चंस हैं, इनको आप तब तक करिए और बताइए कि ये फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है या फोर्थ पे है। आई थिंक नाउ यू मस्ट हैव डन दिस, तो अब हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम है 16 पाई बाय 2, तो ध्यान से देखिए, दिस इज 16 पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 तो है, लेकिन इस 2 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये बेसिकली क्या है, 8 पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो कौन सी जगह आएगा, फर्स्ट, यहां पर, ठीक है। अब ये देखिए 19 पाई बाय 2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, इसका मतलब आइदर इट इज ऑन सेकेंड या फिर फोर्थ। फिर हम लोगों ने क्या बोला, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 जो 16 एंड 3 जो है यहां पर रिमाइंडर है, 3 अगर रिमाइंडर है तो ये आएगा, यानी कि ये फोर्थ में है, ठीक है। इसी तरीके से 37 पाई बाई 2, तो 4 से डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 1, 4 9 जो 36, 1 रिमाइंडर आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है तो कहां पर आएगा, y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस पर, यहां पर सेकेंड जिसे बोला गया। 21 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई किधर आते हैं, थर्ड पे, ठीक है, ये माइनस 62 पाई, तो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है तो वो कहां जाएगा, फर्स्ट पे जाएगा, क्लियर है। माइनस 37 पाई बाय 2, इसको बाद में करते हैं, उसके पहले इसे करते हैं, 49, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 4 जा 48, 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये कहां पर जाएगा, सेकेंड पे। आई थिंक अब आप ये बात समझ, अब निगेटिव में एक छोटा सा लॉजिक है जिसे आप समझिए, अगर आप निगेटिव चलते हैं तो ये माइनस पाई बाई 2 होगा, निगेटिव चल रहा है, माइनस 3 पाई बाई 2 होगा, माइनस 5 पाई बाई 2 होगा, माइनस माइनस 3 पाई बाई 2 नहीं होगा, फिर इसमें 2 पाई आप ऐड करेंगे निगेटिव, तो माइनस 5 पाई बाई 2 होगा, फिर माइनस 9 पाई बाई 2 होगा, ऐसे चलेगा ये, और यहां जाएंगे तो माइनस 3 पाई बाई 2 चलेगा, माइनस 7 पाई बाई 2 चलेगा, ये निगेटिव के बारे में बात हो रही है, माइनस 11 पाई बाई 2। अब यहां एक लॉजिक समझिए आप,
जब यहाँ माइनस हो, ये जैसे यहाँ देखिए, ठीक, ये माइनस, तो आप इस माइनस को अगर ना देखें तो ये 159, यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है तब 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, 5 को डिवाइड करिए 4 से, तो अगर आप माइनस को ना देखें और 1 रिमाइंडर है तो इसका मतलब कि आप यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये पहली बार जैसे वहां पर जाता था 90 घूमने के बाद, वैसे ये भी 90 घूमने के बाद जा रहा है, केवल नेगेटिव है तो नेगेटिव भूल जाइए आप, अगर रिमाइंडर 1 आए तो इसका मतलब आप फोर्थ पे, और रिमाइंडर अगर 3 आए तो आप सेकंड में। आई थिंक अब आप मेरी बात समझ में होंगे। तो -37π/2, तो 37 को भूल जाइए, 1 आया तो इसका मतलब दिस इज फोर्थ, ठीक है। तो दो और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, -77π/2 एंड -89π/2, ठीक है। अब देखते हैं, तो माइनस को भूल जाइए आप, ठीक है, माइनस को भूल जाइए, तो क्या हुआ, 19 4 जा 19 2 जा 38 होता है, 19 4 जा 76, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब फोर्थ। इसी तरीके से माइनस भूल जाइए 89, फिर 1 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब फोर्थ, क्लियर है। इसी तरह -35π/2, तो 32, 3 रिमाइंडर आ रहा है माइनस वाले केस में, फिर ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अभी कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि कहाँ पर फर्स्ट है, कहाँ सेकेंड है, कहाँ थर्ड है, कहाँ फोर्थ है। अब इसके यूजेस क्या हैं और इसके हेल्प से कैसे ट्रिग्नोमेट्री इजी होगी, ये अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।